स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ नर्सिंग में एक और अपडेट आई है, जिसमें दोस्तों आप यहाँ पास देख सकते हैं, ये अपडेट है दोस्तों 1 जनवरी 2021, जिसमें बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और स्क्रूटनी की प्रवेश तिथि में वृद्धि कर दी गई है। ये अपडेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये इसके ऑफिशियल साइट में आया है। तो चलिए दोस्तों कब तक इसकी डेट बढ़ी है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अगर आप नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें आप देख ही पा रहे होंगे संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं संवीक्षा एवं प्रवेश तिथि वृद्धि सूचना, जिसमें बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग प्रवेश 2020 दिए गए हैं, जिसमें चलिए आगे देख लेते हैं कब कब की डेट है। तो दोस्तों यहाँ पास आप देख सकते हैं अभ्यर्थी के उनके विभाग में अनापत्ति अनुमति में विलंब होने के कारण प्रथम नर्सिंग, मतलब कि बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग या फिर एमएससी नर्सिंग काउंसलिंग की स्क्रूटनी एवं प्रवेश की तिथि में निम्नानुसार वृद्धि की गई है। तो चलिए देख लेते हैं कब कब वृद्धि की। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं वृद्धि तिथि की जानकारी, जिसमें स्क्रूटनी, जिसमें दिनांक 14 जनवरी 2021 तक कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं समय प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक आपका चलेगा। उसी प्रकार दोस्तों इसमें प्रवेश की तिथि में भी वृद्धि हुई है, जिसे 15 जनवरी 2021 तक कर दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके लिए टाइमिंग फिक्स किया गया है, 10 बजे से 5 बजे तक इसके लिए भी टाइमिंग फिक्स किया है। और दोस्तों आप ध्यान देंगे कि इसमें एक नोटिस भी आए हैं, इस नोटिस को आप ध्यान देंगे, चलिए हम आपको बता देते हैं क्या नोटिस है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट नोटिस है, स्क्रूटनी की प्रक्रिया आवंटित संस्था में ही की जाएगी, तो ये आप ध्यान देंगे। जिस हेतु संबंधित संस्था स्क्रूटनी की व्यवस्था दस्तावेजों की जांच में प्रवेश नियम 2019 का पालन करेंगे, तो ये भी आप ध्यान देंगे। उसी प्रकार दूसरा है दोस्तों, प्रवेश उपरांत एडमिशन रिसिप्ट जारी होने पर ही प्रवेश मान्य होगा, अतः अभ्यर्थी की रुचि लेकर एडमिशन रिसिप्ट संस्था से जारी कराए तथा उसकी एक कॉपी अवश्य ले, तो ये आप ध्यान देंगे, आपको एक कॉपी लेना है संस्था से एडमिशन रिसिप्ट का। उसी प्रकार इसमें आपको हम डेट तो बता ही चुके हैं 15 जनवरी 2021 से, और उसी प्रकार स्क्रूटनी 14 जनवरी 2021 से, तो प्रवेश एवं स्क्रूटनी की डेट आप ध्यान देंगे। उसी प्रकार इसमें चलिए और आगे देख लेते हैं, इसमें थर्ड नोटिस है दोस्तों, जिसमें स्क्रूटनी में अथवा प्रवेश में नियम विरुद्ध अर्थात स्क्रूटनी में अपात्र अथवा प्रवेश में अपात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश एवं स्क्रूटनी हेतु संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी तथा न्यायालयीन प्रकरणों में भी उन्हीं की जिम्मेदारी होगी एवं स्पष्टीकरण संस्था को स्वयं देना होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों यहीं पर आगामी काउंसलिंग आवंटन इत्यादि से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट का अवलोकन करते रहना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को आपको मिल जाएगा। तो आप इसका अवलोकन करते रहेगा आने वाली अपडेट के लिए, या फिर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें हम आपको अपडेट देते रहेंगे। उसी प्रकार दोस्तों सभी शासकीय एवं निजी नर्सिंग महाविद्यालय की सभी प्रकार की सीटों का आवंटन संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा, अतः किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था के धोखे में नहीं फंसना है आपको, तो ये ध्यान देंगे, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये आपको सतर्क कर रहे हैं आप धोखे में ना आए। तो यही जानकारी थी दोस्तों, जिसे हमें आपको इस वीडियो में देना था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।